दोस्तों देखिए, आज हमारे पास सीटी केबल का सेटअप बॉक्स आया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है हम लाइन देके देखेंगे। ये हमने टीवी भी सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए हमको ये हमने एडाप्टर इसमें लगा दिया और इसको टीवी में भी हमने लाइन दे दिया, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों में हमारा लाइन आ गया, देखिए ऑन हो गया। अभी हम सेटअप बॉक्स भी ऑन हो रहा है। देखिए, ये हमारा ग्रीन एलईडी जल रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है हम देखेंगे। इसमें है प्रॉब्लम, अगर हम पीछे इसका जो पीछे जो पिन है यहाँ पर प्रेशर देंगे तो हमारा देखिए पिक्चर आ गया, छोड़ दिया, चला गया। देखिए हमने प्रेशर दिया, पिक्चर आ गया, ठीक है, प्रेशर दिया, आ गया, देखिए चला गया। इसमें प्रॉब्लम क्या है हम इसको खुल के देखेंगे। इसमें प्रेशर देने पर पिक्चर आता है। हमने थोड़ा वॉल्यूम कम कर लिया, नहीं तो मेरे आवाज़ सुनाई नहीं देगा। देखिए, ये हमें प्रेशर देने पर हमारा पिक्चर आ जाता है। ये छोड़ दिया, चला गया। ये देखिए, हमने यहाँ पर प्रेशर दिया, यहाँ पर हमने प्रेशर दिया, ये देखिए पिक्चर चला आया, ठीक है, छोड़ दिया, फिर से चला गया। हम इसको अभी खोल के देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम पहले खोल लेते हैं, देखिए हम अभी इसको खोलेंगे। इस बॉक्स को हम पहले खोल लेते हैं। कनेक्शन भी खोल लेते हैं। इसका सिम निकाल लेते हैं। देखिए, हमने इसको खोल लिया है, थोड़ा साफ कर लेते हैं। इसका सर्किट को निकाल लेते हैं। पहले हम इसका जो पॉइंट है ये सब जगह हम ड्राइव जो ये सब पॉइंट है हम ये पॉइंट को पहले ड्राई मारेंगे। उसके बाद हम दूसरे साइड देखेंगे कहाँ पे इसका लूज फंक्शन हो रखा है। इसको हम रिपेयरिंग करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं।
ये सेटअप बॉक्स अंदर से ऐसे रहता है, ठीक है। अब देखो हम इसको रिपेयरिंग कैसे करते हैं, कहाँ पे इसका लूज हो रखा है, इस लूज को हम निकालेंगे। तब तक आप हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। पहले हम इस सॉकेट को हम निकाल लेंगे। ये जो सॉकेट है इसको हम पहले निकाल लेते हैं। निकालने के बाद देखते हैं कौन सा पॉइंट हमारा टूट गया है, हम ये चेक करेंगे। निकालने के बाद मिलते हैं। देखिए हमने इसका सॉकेट निकाल लिया। देखिए सॉकेट हमने निकाल लिया, इसको हम अभी लगा के टेस्ट करेंगे। हमें पिक्चर आता है कि नहीं। मोबाइल को थोड़ा सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सा ही दिखेगा आपको, ठीक है। इसको हम टेस्ट करते हैं। हमने एक बॉडी लगा लिया, इसमें हमने ऑन कर दिया। अभी इसको हम देखते हैं हमारा पिक्चर हमें मिलता है कि नहीं। ये ऑन हो रहा है, देखिए हमारा पिक्चर आ गया, ठीक है। हम अभी इसको इस सॉकेट में क्या गड़बड़ है इसको चेक करेंगे। हमारा सेटअप बॉक्स का किट हमारा ठीक है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कौन सा कनेक्शन हमारा टूट गया है इसको हम देखेंगे, इसको अच्छी तरह से रिपेयर करेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। इसको थोड़ा अच्छे से साफ कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ थोड़ा हम साफ कर देंगे, उसके बाद सोल्डर लगा देंगे अच्छी तरह से, उसके बाद हम सोल्डरिंग कर देंगे। अब देखते रहो। हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शोल्डर लगा दिया।
ये हमारा यहाँ पे हमारा शोल्डर लग गया। अभी हम इसको इस सॉकेट को पहले जैसा लगा देंगे। ये हमने लगा दिया। अभी हमें क्या करना होगा, अच्छे से सोल्डरिंग करना होगा, ठीक है, ताकि इस तरफ का कनेक्शन हमें इस पॉइंट पे मिल सके। इस तरफ का कनेक्शन, ये डबल लेयर बोर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे भी पेंट होता है, पीछे भी होता है। हमें यहाँ का कनेक्शन हमें अच्छे से नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें पिक्चर नहीं मिल रहा है, डिस्टर्बनेस आ रहा है। हमें क्या करना होगा, उस तरफ से कनेक्शन इस तरफ लाना होगा, तभी हम हमारा कनेक्ट सेटअप बॉक्स ठीक हो जाएगा। इसके लिए हमको पतला सा तार लेना है, पतला सा वायर लेना है। इसको हम इसकी सहायता से उस तरफ का कनेक्शन हम इस तरफ लाएंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अब देखो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक तार लगा दिया, यहाँ पे भी एक लगा दिया, और यहाँ पे भी एक तार लगा दिया, ठीक है। हम अभी इस तरफ हम सोल्डरिंग करेंगे। देखिए इस तरफ हम सोल्डरिंग कर देंगे, तभी हमारा कनेक्शन अच्छे से हो पाएगा। देखिए हमने सॉकेट को भी बिठा दिया, अभी हम इसको सोल्डरिंग करते हैं। आप लोग देखो, थोड़ा साफ कर देते हैं। ये हमने सॉकेट लगा दिया और पीछे का भी कनेक्शन हमने कर दिया है। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। ये हमने हमने वीडियो कनेक्शन लगा दिया। ये हमारा ऑडियो कनेक्शन है लेफ्ट राइट का, और ये हमारा 12 वोल्ट सप्लाई कनेक्शन है। हम अभी इसको लाइन दे दिया। देखिए इसका जो सीम है इसको भी हम अंदर लगा लेते हैं। ये देखिए लाइव, देखिए ये देखिए हमारा पिक्चर भी आ गया। हमारा ये देखिए, हम इसको अभी सिग्नल का वायर लगा देंगे।
हमने सिग्नल का वायर लगा दिया। देखते हैं हमें पिक्चर मिलता है कि नहीं। इसका जो कार्ड है अंदर से अच्छे तरह से किया नहीं है, इसको अंदर हम लगा लेते हैं अच्छे से। ये देखिए हमारा पिक्चर भी आ गया, बराबर है। देखिए हमारा सेट हमारा चालू हो गया। ठीक है, देखिए ये हम चैनल बदल के दिखाते हैं। ये हमारा चैनल बदल हो रहा है। ये हमारा चैनल बदलने की स्विच है, ये पावर स्विच है और ये दोनों चैनल अप डाउन है। ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर ले रहा है। देखिए फिर से ऑन हो गया। अभी हमें पिक्चर आने वाला है। ये देखिए सिग्नल भी बराबर है, पिक्चर भी बराबर है, ओके है। अब हम इसको अच्छी तरह से फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद आपको दिखाते हैं। हमने इसको कवर में हमने लगा लिया है। हम इसको इसका कवर थोड़ा साफ कर लेते हैं। इसको हम अभी इसका ढक्कन इसको लगा देंगे। इसका जो स्क्रू है वो भी लगा देंगे। ये हमारा पूरी तरह से रेडी हो गया। अभी हम इसको दोबारा से टेस्ट करेंगे। इसके लिए हमें ये तीनों कॉर्ड हमको लगाना पड़ेगा। ये हमने लगा दिया। उसके बाद हमें चाहिए होगा केबल का सिग्नल। ये हमने सिग्नल हमने इसमें लगा दिया। देखिए अभी हम एडाप्टर देंगे, 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। ये हमने ये हमारा 12 वोल्ट सप्लाई है, इसमें हम 12 वोल्ट सप्लाई दे दिया। थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए हमारा सेटअप बॉक्स स्टैंडबाय मोड में आ गया। हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। देखिए हमारा सेटअप बॉक्स भी ऑन है। देखिए हमारा पिक्चर भी आ रहा है बढ़िया से। ये हमारा चैनल हम बदल के दिखाते हैं। ये देखिए एकदम ओके हो गया है। थैंक यू। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे चैनल पे बने रहिए ताकि आपको रोज़ नए नए हम वीडियो
दिखा सकूँ। छोटे छोटे प्रॉब्लम आप खुद ही ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू।